संख्या कितनी थी भाई? यहाँ से हमें भीम कला क्या मिला? तालाब मिला। गोल मंदिर के अवशेष मिले। भारत में मंदिर के अवशेष पहली बार कहाँ से प्राप्त हुए? हनुमान जी की आदमगत क्या मिली? प्रतिमा। आदमगत कहते हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली जो कि भारत की प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा। कैसी लिपि मिली है? संकलित। कितने हुणाक्रमणकारियों का अधिकार रहा? बोला तोरमा। मुगलकालीन दरगाह या सिक्के ढालने की क्या प्राप्ति? अक्सर बहुत अधिक मात्रा में सैनचित्र प्राप्त हुए। इसलिए सभ्यता को क्या नाम दिया? प्राचीन युग की चित्रशाला। और एक विशेष प्रकार की चित्र शैली प्राप्त हुई, कौन सी? औकर करण मात्र शैली। और यहाँ से जो मृदभाड़ मिले उन्हें क्या नाम दिया? स्वास्थ्य उन पर क्या अंकित था? स्वास्थ्य चिन्ह में विरत्न चक्र अंकित। अब याद कैसे रखोगे? अशोक और अशोक महान भीमतला तालाब के पास गोल मंदिर में किसके दर्शन करने गया? अशोक महान कहाँ भाई? भीमतला तालाब में गोल मंदिर में किसके दर्शन करने गया? लेकिन हनुमान जी की जगह जब ये यहाँ पहुंचा तो इसे किसकी प्रतिमा मिली? उसी समय इस पर आक्रमण कर दिया किसने? घोड़ाक्रमणकारियों। किसने? घोड़ाक्रमणकारियों ने। इसने अपनी रक्षा के लिए क्या बजाया? लेकिन इसके पास कोई भी इसकी सहायता करने नहीं आया। क्या बजाया? संघ बजाया, लेकिन इसकी सहायता करने नहीं आया। तो अब बताओ मंदिर पर किसका अधिकार हो गया? घोड़ों का। घोड़ कौन थे भाई? मुस्लिम। इन्होंने मंदिर की जगह क्या बनवा दिया? दरगाह। मुगलकालीन दरगाह। मंदिर की जगह क्या बनवा दी? दरगाह बनवा दी। और यहाँ सिक्के डालने की क्या लगवा दी? अब इन घोड़ों ने अशोक महान जैसे शासक को पराजित किया। बताओ अब अपनी प्रसिद्धि को पत्थरों पर चित्रित करेंगे नहीं करेंगे? तो इन्होंने अपनी प्रसिद्धि को बहुत अधिक मात्रा में शेर यानी पत्थरों पर क्या किया? चित्रित किया। इसी में सभ्यता को क्या नाम दे दिया? प्राचीन युग की चित्रशाला। और इन्होंने चित्रण में विशेष प्रकार की चित्र शैली का प्रयोग किया था जिसका नाम क्या है? औकर करण मात्र शैली। और इन्होंने जो मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लिए उन पर किसका चिन्ह अंकित था? वास्तविक चिन्ह क्या अंकित था? रत्न चक्र। कौन सी